आंदोलन का परिणाम यह रहा, कैलेंडर तो जारी हुआ, साथ साथ में अध्यापक भर्ती लेवल 1 का परिणाम भी मई महीने में जारी हो रहा है, यानी कि 31 मई से पहले जारी हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं लेवल 2 के साथ ही अन्याय क्यों, लेवल 1 का परिणाम क्यों जारी हो रहा है। साथियों एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, लेवल प्रथम में आपत्तियां कम थी, लेवल द्वितीय में आपत्तियां ज्यादा है, लेकिन लेवल प्रथम और द्वितीय में एक समस्या और आई थी, वो समस्या मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, यदि कोई मिलना मेरे से मिलकर पूछे मैं जरूर बताऊंगा, यदि उस समस्या का हल सही समय पर नहीं होता तो पदों को लेकर यदि कोई समस्या आपको यानी कि एक बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन 1, 2, 4, 5 दिन हम लेट जरूर हो गए, मान लीजिए 15 जून तक के लिए चेयरमैन साहब ने बयान दिया है, क्योंकि 9 विषय हैं तो परिणाम एक एक विषय का या दो दो विषय जो परिणाम जारी होगा 15 जून से पहले सभी का परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी विकट जो हमारे सामने समस्या आई थी जिसका निस्तारण किया जा रहा है वो मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता, एक गोपनीयता का सवाल है, क्योंकि आप लोगों को नुकसान होने वाला था। लेकिन साथियों मैंने हर जगह आप लोगों का साथ दिया था, कहीं ना कहीं आपने जो रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कम से कम मई में तो जारी हो रहा ना, लेवल 1 का हो या 2 का परिणाम तो मई में हो रहा, जो जून में जा रहा था हमने प्रयास किया लेवल प्रथम का तो हो रहा है, वो भी आपके भाई बहन है, लेवल प्रथम का द्वितीय का भी होगा। अब द्वितीय का मैंने आज ही चेयरमैन साहब से मैंने बात दोबारा की है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता साथियों, ये वीडियो ले जाके आप सुना सकते हो, आज ही मैंने चेयरमैन साहब से बात की है, मैंने कहा साहब 7 जून को हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए तो कम से कम हम लोग ज्वाइनिंग की मांग तो कर सकते हैं जल्द से जल्द के लिए, तो साहब कम से कम पीटीआई भर्ती का तो परिणाम अगले वीक में आ रहा है और ये लेवल 2 का लेवल प्रथम का आपका लेवल 2 का भी आप जल्द जारी कर, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया मुझे कि हम कोशिश कर रहे हैं कई विषय का परिणाम 7 जून से पहले भी आ जाए। यानी कुल मिलाकर साथियों जैसे जैसे परिणाम तैयार होंगे जैसे अन्य विषय के परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे। साथियों आपने देखा होगा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम कब से शुरू हो रहे हैं, देख लीजिए कब से हालत क्या है, आपने देखा अभी तक सबके परिणाम नहीं आए, तो कम से कम आपका परिणाम लेवल 1 का एक साथ आ रहा है, फिर विषयों का परिणाम जैसे तैयार होगा उनका जाएगा, लेवल प्रथम का परिणाम पहले इसलिए जारी हो रहा है उसमें आपत्तियां कम थी इसमें ज्यादा थी, कोई बीच में कोई समस्या आई तो उसका निस्तारण अब हो रहा है। एक चीज और मैं कह दूं आपको साथियों, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमने 10 तारीख को आंदोलन किया हमने कहा मई का आश्वासन उन लोगों ने दिया, बीच में एक समस्या आई जिसकी वजह से थोड़ी देरी हुई, लेकिन हमने कहा कि जिसका तैयार हो गया उसका तो पहले जारी करिए, तो लेवल 1 का तैयार हो रहा है इसलिए लेवल 1 का 31 मई से पहले जारी हो जाएगा। अब लेवल 2 की बात करें 10 तारीख को हम अधिकारियों से मिला जो आप लोगों को बताया, और मैं अकेला नहीं किया था आपके प्रतिनिधि वहां मौजूद थे जिसके सामने अधिकारियों ने बताया था। इसके अलावा जब शिक्षा मंत्री से बात हुई तो उन्होंने लेवल जो पूरा अध्यापक भर्ती परिणाम के लिए उन्होंने मई का अंतिम सप्ताह और जून का प्रथम सप्ताह बताया, शिक्षा मंत्री जी से चेयरमैन साहब ने कहा वो बात मैंने बताई, मैंने मेरी तरफ से नहीं बताई, जो उन्होंने शिक्षा मंत्री ने चेयरमैन साहब को बताया वो बात मैंने आप लोगों को बताई। अब उसके बाद मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई, मैंने निवेदन किया, उन्होंने कहा मेरे साहब 31 मई से पहले अध्यापक भर्ती और पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी करने की आप कोशिश करें, उन्होंने कहा ओके, उन्होंने कहा, उसके बाद मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बताया। लेकिन साथियों जो मुझे बताया गया मैंने आप लोगों को बताया, मेरे मन से मैंने 1% नहीं बताया, वो सच्चाई जानना चाहते हो मुझसे आकर मिलो, आपको मैं तथ्यात्मक सबूत दूंगा कि मैं मेरी जगह सही था, मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता। साथियों जो सोशल मीडिया पे जो अपवाद है या अफवाह फैला रहे इनसे आप बच कर रहो, जब भी संकट में आओगा आपकी नियुक्ति से लेकर नियुक्ति हो जाने तक मैं ही आपके साथ मिलूंगा। अभी तो रुको, ये लोग तो कोर्ट में जाने वाली बात करेंगे, अभी आज भी सुनवाई थी, कई लोग हैं अटकाने वाले, बहुत लोग हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपकी ज्वाइनिंग तक मैं ही साथ रहूंगा, किसी के बेखाओं में आकर आप है ना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कम से कम प्रयास से लेवल प्रथम का क्यों ना आपके भाई है, कम से कम आप वो परिणाम जारी उसके बाद कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करें, आज भी मैंने बात की चेयरमैन साहब से कम इस मई में मई के एंड में 1-2 परिणाम निकाल दीजिए विषय का, या मई के एंड में जून के प्रथम सप्ताह में निकाल दीजिए, तो मैंने निवेदन किया है, वो कह रहे हैं 10 तारीख से पहले सभी का परिणाम जारी करने की हम कोशिश करेंगे सभी विषय का, मैंने निवेदन मैंने याद तक किया 7 जून से पहले निकालिए, मैंने आज भी कहा, तो वो कह रहे हैं हम कोशिश करें कुछ विषय का तो हम जारी कर देंगे। तो साथियों आप लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए उसके अलावा आपके दस्तावेज सत्यापन में 10 से 15 दिन तो लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें 10 से 15 दिन में हो, ज्यादा टीमें लगाई जाए, एक्स्ट्रा टीमें लगाई जाए जिससे जल्द हो, उसके बाद फाइनल परिणाम भी आना है, और फाइनल परिणाम के बाद जिला मंडल ज्वाइनिंग होना, तो ये जुलाई अगस्त तक पूरा मामला जा रहा है, यदि हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो जुलाई या फिर अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है।